इमरजेंसी में तोता गिरने का अफसोसनाक वाकया, संगे मरमर की कार बैठ जाने से हलाकतों की तादाद 19 हो गई, 9 जख्मी अस्पताल मुंतकिल, कई अफराद ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। पाक फौज, जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की टीमों का दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन, हैवी मशीनरी न पहुंचने से इमदादी कामों में मुश्किल। हुकूमत नहीं चाहती मियां नवाज शरीफ वापस आए, हुकूमत को पता है नवाज शरीफ वापस आ गए तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। नवाज शरीफ से पहले भी इंसाफ नहीं हुआ, हुकूमत आवाम को बेवकूफ बना रही है, बातों से निजाम नहीं बदल सकता। वजीर आजम का कराची पैकेज ऐलान की हद तक है। ख्वाजा साद रफी की मीडिया से गुफ्तगू, लीगी रहनुमा की पैरागॉन सिटी केस में पेशी, MS सर्विसेज अस्पताल ने कैसर अमीन भट्ट की मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी। जुल्फी बुखारी के बतौर चेयरमैन PTDC टायोनाटिका केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 10 दिन में रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आज चेयरमैन की तायुनाती में कानूनी तकाजे पूरे किए गए। टूरिज्म का मामला लिफाफ का है मगर 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास चला गया। 18वीं तरमीम में बहुत सी चीजें सूबों को मिली जो नहीं मिलनी चाहिए थी। अदालत वफाकी हुकूमत की पॉलिसी में मदाखलत नहीं करेगी। पायलट की बर्तरफी और लाइसेंस की मंसूखी के केस में अटॉर्नी जनरल मुआवनत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तलब। चीफ जस्टिस अतर मिर्जा ने रिमार्क दिए, इससे बड़ा मसला क्या हो सकता है कि 2 साल से DG सिविल एविएशन अथॉरिटी की तैनाती नहीं हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी आज मीरपुर खास और उमरकोट का दौरा करेंगे, बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों का मुआयना और मुतासरीन से मुलाकात करेंगे, इमदादी कामों का भी जायजा लेंगे। दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद, घोटकी में मजीद 3 देहात जेरियाब आ गए, सैकड़ों एकड़ पर फसलें बर्बाद हो गई, लोगों के नकल मकान। अपोजिशन की APC से हुकूमत को कोई खतरा नहीं लेकिन जरूर इलेक्शन होंगे मगर 2023 से पहले नहीं। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू, चौधरी सरवर से सुबाई बुजरा, मोहसिन लगारी और सईदुल हसन शाह की मुलाकात। क्या पंजाब पुलिस ग्रुप बंदी का शिकार हो गई? IG पंजाब शेख दस्तगीर दूसरे रोज भी ऑफिस नहीं आए। IPOs और CPOs का भी IG से इजहार एकजहती का फैसला, आज सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचकर लाए अमल तय करेंगे। जंगे सितंबर में पाक बहरीन के खिदमात और कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने का दिन, आज मुल्क भर में योम बहरिया मनाया जा रहा है। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने अपने पैगाम में कहा कि खून के आखिरी कतरे तक मादे वतन का दिफा करेंगे। पाक नेवी ने योम बहरिया पर खसूसी फिल्म सुखरू रिलीज कर दी। दुनिया भर में करोड़ों अफराद ना ख्वांदा, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज ख्वांदगी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तालीम का शोबा इन्हेताक का शिकार, बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा शरह ख्वांदगी में इजाफे के लिए इज्तमाई कोशिशों की जरूरत है। हुकूमत का 15 सितंबर से तालीमी इदारे बतदरीज खोलने का ऐलान, SOPs पर अमल कैसे होगा? क्या बच्चे सारा दिन मास्क पहने रखेंगे, बार बार हाथ धोएंगे, सैनिटाइजर कौन देगा? जरासीम कुछ स्प्रे हुकूमत करेगी या स्कूल इंतजामिया? तालीमी इदारे खोलने के ऐलान पर वालिदैन भी परेशान। आओ चले स्कूल, कोरोना से रहकर महफूज, महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का किताबचा जारी, बच्चों के लिए हाथ धोने और मास्क पहनने की मशकें दर्ज। इस्लामाबाद में बच्चों से भीख मंगवाने और मनुष्या सरफ कराने का धंधा, पुलिस की कार्रवाई, 8 ठेकेदार पकड़े गए। भीख के लिए बच्चे बस्तियों और झुग्गियों से किराए पर लेते, हर बच्चे से 500 रुपए लिए जाते, मुजरिमों का इकरार। कराची समेत सिंध में CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई बंद, बुध की सुबह 8 बजे खुलेंगे।
पंजाब सिंध बलूचिस्तान के बेशतर इजला में मौसम गर्म, लाहौर गुजरात नारोवाल गुजरावाला में आज बारिश की पेशगोई, सबात मालकन मानसेहरा गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ आलमेदीन मुतरजिम कुरान और मुमताज सुफियाना।